दोस्तों बॉलीवुड में कई फेमस चाइल्ड आर्टिस्ट हुए, कुछ ने बड़े होकर अभिनय जगत में ही अपना करियर बनाया तो कुछ ने समय के साथ अभिनय से किनारा कर लिया। 70 और 80 के दशक का एक दौर था जब फिल्म के मुख्य कलाकारों के अलावा फिल्म में काम कर रहे बच्चों की भी अपनी एक अलग पहचान होती थी। तब पिक्चरों में काम कर रहे छोटे लड़कों के नाम के साथ मास्टर और बच्चियों के नामों में बेबी जोड़कर बुलाया जाता था। उसी दौर में एक बाल कलाकार ने अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया था। दोस्तों उस कलाकार का नाम है मयूर राज वर्मा। मयूर राज वर्मा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के 70 और 80 के दौर में एक मशहूर बाल कलाकार के रूप में सामने आए। आपको बता दें कि कई सुपरहिट फिल्म्स में अमिताभ बच्चन के बचपन के रोल्स को पर्दे पर उतारने वाले मयूर राज को यंग अमिताभ या जूनियर अमिताभ के तौर पर भी जाना जाता था। वो अपने समय के हाईएस्ट पेड चाइल्ड आर्टिस्ट हुआ करते थे। तो आइए दोस्तों हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए छोटे अमिताभ के रूप में जाने जाने वाले अभिनेता मयूर राज वर्मा की जिंदगी के बारे में। हम आपको ये भी बताएंगे कि मयूर आजकल कहाँ है और वो क्या कर रहे हैं। अभिनेता मयूर वर्मा का जन्म सन 1964 में मुंबई में हुआ था। इनकी माँ एक जानी मानी राइटर और डायरेक्टर रह चुकी हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि बचपन से ही मयूर का फिल्मी दुनिया से एक गहरा नाता था। इनकी माँ की ये दिली ख्वाहिश थी कि मयूर अभिनय जगत में एक बड़ा सितारा बनकर उभरे। इस सिलसिले में कुछ किस्से भी मशहूर हैं। माना जाता है कि मयूर वर्मा की माँ अक्सर जर्नलिस्ट बनकर बड़े प्रोड्यूसर्स के इंटरव्यूज लेने जाती थी और मौका देखकर उन्हें मयूर की तस्वीरें दिखाया करती थी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि एक ऐसे ही किसी इंटरव्यू के बीच प्रकाश मेहरा की मुलाकात मयूर राज की माँ से हुई थी। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने मयूर को एक फिल्म के लिए साइन भी किया था। बात इनके हाईएस्ट पेड चाइल्ड आर्टिस्ट होने की करें तो 70 और 80 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों में अमिताभ बच्चन के बचपन का किरदार बड़ी संजीदगी से निभाया था। उनकी सबसे चर्चित फिल्म थी मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म के रिलीज के बाद उनको कई बड़े ऑफर्स मिले थे। लोगों का ऐसा मानना था कि उम्र छोटी होने के बावजूद मयूर की एक्टिंग काफी मैच्योर होती है और इसलिए अमिताभ के कैरेक्टर्स के चाइल्ड हुए पार्ट को प्ले करने के लिए वो उपयुक्त थे। बात इनकी फिल्म्स की करें तो उनमें मुकद्दर का सिकंदर, ऊंची उड़ान, अनाड़ी खिलाड़ी, लव इन गोवा, अमावस की रात, खूनी मुर्दा, 100 साल बाद जैसी फिल्में शामिल हैं। कई नामचीन फिल्मों में काम करने के अलावा उन्होंने बीआर चोपड़ा द्वारा निर्मित महाभारत में अभिमन्यु का किरदार निभाकर काफी प्रशंसा हासिल की थी। आपको बता दें कि अभिमन्यु के किरदार के लिए पहले अभिनेता गोविंदा और चंकी पांडे को अप्रोच किया गया था पर उन दोनों ने किसी कारण इस रोल के लिए मना कर दिया था। मयूर ने अभिमन्यु के किरदार में बेहतरीन अभिनय किया था। दोस्तों जिस इंडस्ट्री में उनको बड़ा मुकाम हासिल करवाने के लिए उनकी मां ने इतनी जद्दोजहद की, आगे चलकर उन्होंने उसी इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। फिल्मी जगत को पूरी तरह अलविदा कहने से पहले मयूर ने टीवी प्रेजेंटर के तौर पर भी काम किया है। उनके द्वारा किया गया सलमान खान का इंटरव्यू काफी मशहूर हुआ था। फिल्मों को अलविदा कहने के बाद उन्होंने भारत को भी छोड़ दिया था। वो इसके बाद अपनी पत्नी के साथ वेल्स शिफ्ट हो गए। यहाँ इंडियाना नामक एक रेस्टोरेंट को एस्टेब्लिश करने के बाद मयूर ने अपना कारोबार यहीं फैलाया। बताया जाता है कि आजकल मयूर का करोड़ों का बिजनेस है। यहाँ वो अपनी शेफ वाइफ के साथ विजिटर्स की बेहतरीन मेहमान नवाजी करते हैं। इन सब के अलावा आपको बता दें कि मयूर एक वर्कशॉप भी चलाते हैं जिनमें उन्होंने बॉलीवुड के लिए एक्टिंग का प्रशिक्षण भी दिया है। बात इनके परिवार की करें तो इनके पिता का नाम और उनसे जुड़ी जानकारियां पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। इनकी माँ का नाम स्नेहलता वर्मा है। स्नेहलता वर्मा एक जानी मानी राइटर और डायरेक्टर है। मयूर की शादी नूरी से हुई है। नूरी पेशे से एक शेफ है जो कि इंडियाना रेस्टोरेंट में मयूर का हाथ बटाती है। मयूर और नूरी के दो बच्चे हैं। हम आपको बता दें कि आजकल वेल्स में ही मयूर अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और अपने बिजनेस पर फोकस कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी छोटे अमिताभ के तौर पर जाने जाने वाले अभिनेता मयूर राज वर्मा के जीवन से जुड़ी जानकारियां। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।